हेलो व्यूवर्स, माई सेल्फ श्याम और आप देख रहे द न्यूट्रिशन डायरी। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए 20 फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया दोस्तों, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम लोग वीडियो का पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है द नॉट यूज टू टाई और बैंडेज इज नोन एज। ओके, इस क्वेश्चन का आंसर बताने के पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। ये जो क्वेश्चन है ना, जब बीपेड में आप एडमिशंस लेते हो और बीपेड के करिकुलम में आपको स्काउट एंड गाइड का कैंप के लिए लेके जाते हैं। ओके, जो स्काउट एंड गाइड के कैंप होते हैं ना, उसके लिए आपको 7 days 10 days, तो उसके अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ना नॉट सिखाए जाते हैं। मतलब कि किस टाइप पे कौन सा नॉट आपको यूज करना है। जैसे 26 जनवरी होती है, तो आप एक फिजिकल एजुकेशन टीचर एज ए स्कूल में वर्किंग करोगे, तो जब आपको फ्लैग टाई करना होता है तो वहां पे कौन सा आप नॉट यूज करेंगे। तो आपको स्काउट एंड गाइड कैंप में ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नॉट सिखाते। ओके, तो उस बेसिस पे पहला क्वेश्चन है हमारा। देखेंगे फिर से, द नॉट यूज टू टाई अ बैंडेज इज नोन एज, तो उसको क्या बोलते हैं। आपके पास चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है हाफ हिच, सेकेंड ऑप्शन है ग्रैनी नॉट, थर्ड ऑप्शन है क्लॉ हिच और फोर्थ ऑप्शन है रिफ नॉट। तो दोस्तों, द नॉट यूज टू टाई अ बैंडेज इज नोन एज होता है रिफ नॉट। तो हमारा राइट आंसर है डी। अब चलते सेकेंड नंबर क्वेश्चन की तरफ। सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या देखेंगे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन इन सेलेक्टिंग द स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। ओके, जब आप स्पोर्ट्स इक्विपमेंट सेलेक्ट करते हो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा होता है, आपको किस पॉइंट पे ध्यान रखना होता है। तो पहला ऑप्शन है क्वालिटी, दूसरा ऑप्शन है सोर्स, तीसरा ऑप्शन है यूटिलिटी और फोर्थ ऑप्शन है प्राइस। ओके, अगर आप एज ए स्कूल में फिजिकल एजुकेशन वर्किंग करोगे तो आपको ये पॉइंट बहुत ध्यान में रखना है। मीन्स क्वालिटी, यूज इक्विपमेंट का क्वालिटी होना चाहिए कैसा है वो देखना है आपको। उसके बाद सोर्स, आपको कहाँ से मिलेगा इक्विपमेंट, फिर यूटिलिटी, वो जो इक्विपमेंट्स आप लोगे आपको बेनिफिट होगा कि नहीं होगा, और फोर्थ ऑप्शन है प्राइस। तो दोस्तों, द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कंसिडरेशन इन सेलेक्टिंग द स्पोर्ट्स इक्विपमेंट होता है वो होता है दोस्तों क्वालिटी। ओके, सबसे पहले आपको स्पोर्ट्स इक्विपमेंट सेलेक्ट करते टाइम क्वालिटी पे ध्यान देना। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा सही आंसर है ए, क्वालिटी। अब चलते तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या देखेंगे यहाँ पे, द करिकुलम इज अ मेजर फैक्टर इन। ओके, जो करिकुलम मेजर फैक्टर इन कौन सा पार्ट होता है करिकुलम में। तो आपके पास चार ऑप्शन है, अफेक्टिंग द स्टूडेंट बिहेवियर, पहला ऑप्शन, द अराइजिंग ऑफ लेस डिसिप्लिन प्रॉब्लम्स, थर्ड ऑप्शन है द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड लर्निंग एनवायरनमेंट, और फोर्थ ऑप्शन है द डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट इंटरेस्ट। तो दोस्तों, जो करिकुलम में मेजर फैक्टर होता है उसके अकॉर्डिंग हमारा सही आंसर है द डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ अ गुड लर्निंग एनवायरनमेंट। मीन्स हमारा सही आंसर है सी। मतलब अगर आप करिकुलम में कोई चीज सीख रहे हो तो कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट होता है, एक पर्सन का गुड डेवलपमेंट होना चाहिए और गुड लर्निंग एनवायरनमेंट भी होना चाहिए। अगर आपको अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा तो आप जो नई नई चीजें अच्छे से ग्रास्पिंग कर सकते हैं। ओके, हमारा राइट आंसर है सी। अब चलते फोर्थ नंबर क्वेश्चन की तरफ। द वेस्टिबुलर सेंस इज लोकेटेड इन द, ओके, कहां पे लोकेट करता है वेस्टिबुलर सेंस ऑर्गन। तो आपके पास चार ऑप्शन है, ईयर के पास, आईज के पास, नोज में और स्किन में। ओके, द वेस्टिबुलर सेंस इज लोकेट इन द, जो लोकेट करता है दोस्तों वो करता है ईयर में। हमारा राइट आंसर है ए। अब चलते पांचवे नंबर क्वेश्चन की तरफ। पांचवे नंबर क्वेश्चन क्या है, द डिफरेंस बिटवीन द ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू सपोर्ट अ गिवन एक्सरसाइज इंटेंसिटी एंड द एक्चुअल ऑक्सीजन कंजप्शन एट द स्टार्ट ऑफ एक्सरसाइज नोन एज। आपको इस क्वेश्चन का मैं मतलब बताता हूं। जब आप एक हाइयर इंटेंसिटी की एक्सरसाइज करते हो ना, वो डिफरेंस बिटवीन द ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू सपोर्ट, अगर आपको जो हायर इंटेंसिटी वर्कआउट कर रहे हो, वर्कआउट करने के बाद आप फटीग फील हो गए, ओके, फिर आपको एक हल्का सा ब्रेक मिलता है, आप क्या करते हो ऐसे लाइक डीप ब्रीथ लेते हो, ऐसा आपको फील होता होगा, आप डीप ब्रीथ लेते हो। उसके बाद क्या होता है, जब आप नेक्स्ट रेपिटेशन लगाने जाते हो, नेक्स्ट एक्सरसाइज करने जाते हो, तो आपको वहां पे एक फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स का रिलीफ मिलता है, तो आप उस नेक्स्ट एक्सरसाइज को और अच्छे से कर सकते हो। फिर से क्वेश्चन समझिए, द डिफरेंस बिटवीन द ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू सपोर्ट इन अ गिवन एक्सरसाइज इंटेंसिटी, जो आप एक्सरसाइज में इंटेंसिटी कर रहे हो, एंड द एक्चुअल ऑक्सीजन कंजप्शन एट द स्टार्ट ऑफ एक्सरसाइज इज नोन एज, उसको क्या बोलते हैं। ओके, जब आपने एक्सरसाइज स्टार्ट किया तब उस आपका जो एक्सरसाइज का जो ऑक्सीजन लेवल था तब कैसा था, और जब बिटवीन, जब आपने हायर इंटेंसिटी के जाने के बाद और एक आप इंटेंसिटी सेट वर्कआउट लगाने वाले, तो उसके डिफरेंस बिटवीन पूछ रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड एज। पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन डिफिक, दूसरा ऑप्शन इपॉक, तीसरा ऑप्शन है लैक्टेट थ्रेशोल्ड, फोर्थ ऑप्शन है मैक्सिमम ऑक्सीजन अपडेट। तो दोस्तों, उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजन डिफिक। ओके, तो हमारा सही आंसर है ए। अब चलते छठे नंबर क्वेश्चन की तरफ। छठा नंबर क्वेश्चन क्या देखेंगे,
फार्टलेक ट्रेनिंग इज यूज बेस्ड टू डेवलप। ओके, यह दोस्तों एक टाइप का ट्रेनिंग मेथड है। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ट्रेनिंग मेथड होते हैं, कंटिन्यूस ट्रेनिंग मेथड, इंटरवल ट्रेनिंग मेथड, तो ये भी एक टाइप का ट्रेनिंग मेथड है। ओके, द फार्टलेक ट्रेनिंग इज यूज बेस्ड फॉर, जो फार्टलेक ट्रेनिंग होता है वो किसके लिए बेस्ड होता है, डेवलप करने के लिए। तो आपके पास चार ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है स्पीड, दूसरा ऑप्शन है एंडोरेंस, तीसरा ऑप्शन है एजिलिटी और फोर्थ ऑप्शन है स्ट्रेंथ। दोस्तों तो दो फार्टलेक ट्रेनिंग जो यूज करने मींस बेस्ट पार्ट होता है डेवलप करने के लिए होता है दोस्तों एंडोरेंस के लिए। ओके, तो हमारा सही आंसर है बी। अब चलते सातवें नंबर क्वेश्चन की तरफ। सातवां नंबर क्वेश्चन क्या है, द मसल विच राउंड इन शेप एंड हैज थ्री पार्टीज। ओके, एक मसल जो राउंड होता है और उसकी थ्री पार्ट है तो उसको क्या बोलते हैं, तो वेस्टस ग्रुप ऑफ मसल्स, सेकेंड ऑप्शन है डेल्टॉइड, थर्ड ऑप्शन है ट्राइसेप्स और फोर्थ ऑप्शन है बाइसेप्स। ओके दोस्तों, द मसल्स विच राउंड इन शेप एंड थ्री पार्ट ऑफ, उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों डेल्टॉइड। तो हमारा सही आंसर है बी। अब चलते हैं दोस्तों आठवें नंबर क्वेश्चन की तरफ। आठवां नंबर क्वेश्चन क्या देखेंगे, द न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज एट द न्यूरो मस्कुलर जंक्शन ऑफ मोटर यूनिट इज ऑलवेज। तो आपके पास चार ऑप्शन है, साइक्लिक ए एम पी, सेकेंड ऑप्शन है नॉर एपी नेफ्रिन, थर्ड ऑप्शन है एपी नेफ्रिन, फोर्थ ऑप्शन है एसिटाइल कोलिन। तो दोस्तों द न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज एट द न्यूरो मस्कुलर जंक्शन ऑफ मोटर यूनिट ऑलवेज होता है, वो होता है एसिटाइल कोलिन। ओके, तो हमारा सही आंसर है डी। अब चलते हैं नवे नंबर क्वेश्चन की तरफ। नवा नंबर क्वेश्चन क्या है, द बैक थाई मसल्स आर ऑल्सो नोन एज। ओके, जो बैक थाई होता है उसको क्या बोलते हैं, तो आपके पास चार ऑप्शन है क्वाड्रिसेप्स, सेकेंड ऑप्शन है ग्लूटल, थर्ड ऑप्शन है गैस्ट्रोनिमस, फोर्थ ऑप्शन है हैमस्ट्रिंग। ओके, यहां पे जी मिसिंग है दोस्तों, जो क्वाड्रिसेप्स होता है, सेकेंड ऑप्शन है ग्लूटल, थर्ड ऑप्शन है गैस्ट्रोनिमस और फोर्थ ऑप्शन है हैमस्ट्रिंग। तो दोस्तों जो बैक थाई मसल्स को बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं हम लोग हैमस्ट्रिंग मसल्स। आपको मैं और इसके आंसर भी एक्सप्लेन कर देता हूं, जो क्वाड्रिसेप्स मसल्स होते हैं आपके फ्रंट थाई में होते हैं, जो ग्लूटल मसल्स होते हैं आपके हिप पार्ट मींस बैक साइड्स में होते हैं, और गैस्ट्रोनेमस जो मसल्स होता है काफ मसल्स में होता है। ओके, बट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा सही आंसर है हैमस्ट्रिंग, हमारा सही आंसर है डी। ओके, अब चलते दसवें नंबर क्वेश्चन की तरफ। दसवां नंबर क्वेश्चन क्या देखेंगे, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ आर्ट एंड साइंस ऑफ प्रमोटिंग वन स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल इमोशनल सोशल स्पिरिचुअल एंड एनवायरमेंटल वेलनेस इज नोन एज। ओके, द साइंटिफिक स्टडी जिसके अंदर इमोशनल मेंटल सोशल स्पिरिचुअल एनवायरमेंटल वेलनेस इज नोन है, उसको क्या बोलते हैं, तो आपके पास चार ऑप्शन है, हेल्थ एजुकेशन, योगा एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन एंड मॉरल एजुकेशन। तो दोस्तों जो स्पिरिचुअल सोशल मेंटल एंड इमोशनल एनवायरमेंटल और वेलनेस इज ऑल्सो नोन एज जो होता है वो होता है हेल्थ एजुकेशन। तो हमारा सही आंसर है ए। अब बढ़ेंगे हम लोग ग्यारहवें नंबर क्वेश्चन की तरफ। ग्यारहवां नंबर क्वेश्चन क्या है देखेंगे, द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड फिलोसॉफी इज। ओके, जो फिलोसॉफी का मीनिंग है वो क्या होता है, तो आपके पास चार ऑप्शन है, लॉ ऑफ विजडम, सेकेंड ऑप्शन है लॉ ऑफ नॉलेज, थर्ड ऑप्शन है लॉ ऑफ क्रिटिज्म, फोर्थ ऑप्शन लॉ ऑफ गॉड। तो दोस्तों द लिटरल मीनिंग ऑफ द फिलोसॉफी होता है वो होता है लॉ ऑफ विजडम। तो हमारा सही आंसर है ए। अब बढ़ते दोस्तों बारहवें नंबर क्वेश्चन की तरफ। बारहवां नंबर क्वेश्चन क्या है देखेंगे, द सैक्रम कंसिस्ट ऑफ वर्टिब्रे। ओके, जो सैक्रम एक टाइप का बोन होता है जो कि अपने हिप पार्ट में होता है। ओके, तो ये पूछ रहा है दोस्तों सैक्रम कंसिस्ट ऑफ डैश वर्टिब्रे। तो आपके पास चार ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है फाइव बोन, सेकेंड ऑप्शन है फोर, थर्ड ऑप्शन है टू और फोर्थ ऑप्शन है सिक्स। तो दोस्तों द सैक्रम कंसिस्ट ऑफ जो होता है वो फाइव वर्टिब्रे से होता है। ओके, तो हमारा सही आंसर है ए। अब चलते क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या है, द एग्जाम्पल ऑफ सीरियल स्किल इज। ओके, जो सीरियल स्किल है उसका एग्जाम्पल कौन सा है, तो पहला ऑप्शन है जंपिंग, दूसरा ऑप्शन है कैचिंग, तीसरा ऑप्शन है फ्लोर एक्सरसाइजेस, फोर्थ ऑप्शन है रनिंग। तो दोस्तों द एग्जाम्पल ऑफ सीरियल स्किल होता है इज फ्लोर एक्सरसाइजेस के। तो हमारा सही आंसर है सी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे क्या है, द ऑल्फैक्टरी सेंस इज इमेजरी इज यूज फॉर। ओके, दो ऑल्फैक्टरी सेंस जो होता है वो किसके लिए यूज होता है, तो आपके पास चार ऑप्शन है, हियरिंग के लिए, सेकेंड ऑप्शन है स्मेल के लिए, थर्ड ऑप्शन है टच के लिए, फोर्थ ऑप्शन है साइट के लिए। तो दोस्तों जो द ऑल्फैक्टरी सेंस इन इमेजरी इज यूज फॉर होता है वो होता है स्मेल के लिए। तो हमारा सही आंसर है बी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन है, द अर्लिएस्ट पर्सन नोन टू हैव इन्वेंट द सिस्टम ऑफ बॉडी क्लासिफिकेशन वॉज। ओके, तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, थ्री टाइप के बॉडी क्लासिफिकेशन होते हैं जिसके अंदर आता है एक्टोमॉर्फ,
मेसोमॉर्फ और एंडोमॉर्फ। ओके, तो क्या बोल रहा है, इन्वेंट द सिस्टम ऑफ बॉडी क्लासिफिकेशन वॉज। तो आपके पास चार ऑप्शन है, क्रेचमर, सेकेंड ऑप्शन है हिप्पोक्रेट्स, थर्ड ऑप्शन है हॉल और फोर्थ ऑप्शन है सेल्डन। तो दोस्तों जो द अर्लिएस्ट पर्सन नोन टू हैव द इन्वेंट द सिस्टम ऑफ बॉडी क्लासिफिकेशन उनका नाम था सेल्डन। तो हमारा राइट आंसर है डी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है देखेंगे, द टर्म कोऑपरेशन इज द पार्ट ऑफ। ओके, द कोऑपरेशन इज द पार्ट ऑफ किसका पार्ट है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सेकेंड ऑप्शन है सोशल वैल्यू, थर्ड ऑप्शन है मोटर डेवलपमेंट, फोर्थ ऑप्शन है कल्चरल। तो दोस्तों द टर्म जो कोऑपरेशन इज द पार्ट ऑफ है वो पार्ट है किसका, सोशल वैल्यू का। तो हमारा सही आंसर है बी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है देखेंगे, द क्वालिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन टीचर इज। ओके, अगर कोई फिजिकल एजुकेशन टीचर है तो उसका क्वालिटी क्या होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है गुड परफॉर्मेंस, सेकेंड ऑप्शन है यंग, थर्ड ऑप्शन है सिविलाइज, फोर्थ ऑप्शन स्मार्ट। तो दोस्तों द क्वालिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन टीचर का होना चाहिए गुड परफॉर्मेंस। तो हमारा सही आंसर है ए। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है देखेंगे, द पॉजिटिव स्ट्रेस इज नोन एज। ओके, क्या बोल रहा है, जो पॉजिटिव स्ट्रेस है उसको क्या बोलते हैं। तो आपके पास चार ऑप्शन है, डी स्ट्रेस, सेकेंड ऑप्शन है ई स्ट्रेस, थर्ड ऑप्शन है एंग्जाइटी और फोर्थ ऑप्शन है स्ट्रेस। तो दोस्तों द पॉजिटिव स्ट्रेस इज ऑल्सो नोन एज होता है ई स्ट्रेस। तो हमारा सही आंसर है बी। अब चलते क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है देखेंगे, द टोटल नंबर ऑफ ऑफिशियल रिक्वायर्ड फॉर अ खो खो मैच। दोस्तों जो खो खो मैच होता है उसके अंदर टोटल ऑफिशियल रिक्वायर्ड होते हैं कितने नंबर होते हैं। तो आपके पास चार ऑप्शन है, दो, सेकेंड ऑप्शन है फोर, थर्ड ऑप्शन है सिक्स और फोर्थ ऑप्शन है फाइव। तो दोस्तों जो खो खो मैच होता है उसके अंदर ऑफिशियल रिक्वायर्ड होते हैं टोटल सिक्स, जिसके अंदर जो छह होते हैं उसके अंदर पहला एक रेफरी होना चाहिए, दो अंपायर होने चाहिए, तीन हो गए, और एक टाइम कीपर होता है और दो स्कोरर होता है। ओके, फिर से आपको मैं एक बार बता देता हूं, जो टोटल ऑफिशियल होते हैं चाहिए कितने होते हैं, टोटल सिक्स, जिसके अंदर टू स्कोरर होते हैं, टू अंपायर होते हैं, एक रेफरी होता है और एक टाइम कीपर होता है। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, सिक्स क्या होते हैं और कितने रेफरी को क्या बोलते हैं। दो स्कोरर, दो अंपायर, एक टाइम कीपर और एक रेफरी। ओके, अब बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस वीडियो का दोस्तों आखिरी और लास्ट क्वेश्चन, द समर ओलंपिक फॉर द ईयर 2024 एंड 2028 विल बी हेल्ड इन द फॉलोइंग सिटीज। ओके, जो 2024 और 2028 का ओलंपिक होने वाला है कौन से सिटीज में होने वाला है। तो आपके पास चार ऑप्शन है, पेरिस एंड लॉस एंजलिस, सेकेंड ऑप्शन है पेरिस एंड बीजिंग, थर्ड ऑप्शन है टोक्यो एंड पेरिस और फोर्थ ऑप्शन है बीजिंग एंड टोक्यो। तो दोस्तों जो होने वाला है 2020 मीन्स 2024 और 2028 का ओलंपिक का, वो होने वाला है पेरिस एंड लॉस एंजल्स में। तो हमारा सही आंसर है ए। आई होप दोस्तों आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे, और अगर अच्छे लगे होंगे तो हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। और अगर आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे नए नए वीडियोज, नए नए क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। थैंक यू।